आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं भी अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग खुश होंगे और ये भी खुश है। बारिश हो रही है 3 दिन से लगातार, जब से मैं आई हूँ घर से यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। मैं अपने घर पे पूछती हूँ, द्वारका में तो कभी होती कभी नहीं होती, लेकिन यहाँ तो दिन रात हो गया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इस वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। 2 दिन से मैं सोच रही हूँ मुझे बाहर जाना है, कहीं ना कहीं जाना है। मेरा वैसे प्लान था इंडिया गेट जाने का, लेकिन ऐसे मौसम में कैसे जाऊँ, लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं ज़रूर जाऊँगी। 2 दिन से शुक्र था अल्लाह का कि बारिश हो रही है, तो मुझ पर शुक्र था, मैं बाहर नहीं जा रहा किस इनको लेकर, क्योंकि बाहर जाते हैं तो बाहर जाके तो वाट लगती है मेरी, ठीक है। और अब मगर मजबूरन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं बारिश हो या कुछ भी हो मुझे जाना है बाहर, तो मुझे जाना ही पड़ेगा इनके साथ। मगर ये बता नहीं रहे कहाँ जाना है, बस कह रहे गाड़ी निकालो और तुम चलो। हाँ चलो। और नहीं, छोटा मोटा मुझे कुछ सामान भी लेना है, जैसे कि कल हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, तो देखते हैं क्या लेंगे सामान। मैडम लेती वेती कुछ नहीं है बाहर जाके, मुझे जैसे नहीं सामान मिलता ही नहीं है इनको, पता नहीं ऐसी पसंद है, इतनी डेंजर पसंद है कि ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओ जो भी चीज़ लेनी। जैसे मुझे मतलब लेना है कुछ, मैं कुछ लेकर आई हूँ, उसके लिए मुझे फ्लावर भी लेना है। ये मुझे मारने के लिए फ्लावर, हाँ मैं मुझे मारने के लिए फ्राई पैन लेंगे। तो हम देखते हैं भीगते भागते कैसा मजा आता है। लेकिन हाँ, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन है कि बारिश हो रही है। ये क्यों, उन्होंने कल अपने दोस्तों के साथ बाहर आइसक्रीम खाई है, मजाक। तो मुझे भी खाना है, और पकोड़े खाने का तो मेरा इतना मन है, लेकिन मैं बना के खा चुकी हूँ कल, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। कल मैंने आलू के पकोड़े बनाए थे, और आज सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए सुबह सुबह, जो कि मुझे नहीं खिलाए। ये खाते नहीं है आज पराठे खिलाए ना, असल में रात का गुस्सा था ना कि रात को दोस्तों के साथ जाके आइसक्रीम वगैरह खाई, वो आपको ब्लॉग में दिखेगा। दूसरा मेरा फ्रेंड है जैद चौधरी के नाम से, लेकिन जैद चौधरी के नाम से है, उसको देखना आप, उसमें मैं देखूंगा। और बहुत अच्छी वीडियो बनाता है वो। तो अब हम जा रहे हैं बाहर। मैं बुर्का पहनती हूँ, नहीं अभी तो चाय पीने जा रहे हैं, जैसे कि सबको पता है शाम को हम चाय पीते हैं, ये नहीं पीते हैं, मैं और अम्मी पीते हैं, और मैं चाय साई चाय रख कर रही हूँ। तो गाइस हम बाहर तो आ गए, मगर बारिश बहुत तेज है। कितनी तेज है बारिश? बारिश तो बहुत तेज है, लेकिन इन्होंने कभी पीछा नहीं छोड़ा, हमेशा पेट्रोल पंप पे लाके खड़ा कर देते हैं, हमेशा पेट्रोल खत्म रहता है इनका। गाड़ी चलती ज्यादा है यार, इसलिए पेट्रोल ऊपर नीचे होता रहता है। हेलमेट देखो पीछे का हेलमेट। ये देखो मैं दिखाता हूँ बारिश, बड़ा दिख रहा है। वो देखो ये दिख रही है ना आप लोगों को बारिश। कार वाले तो सही है यार, गाड़ी स्कूटी वाले तो बेचारे पक पक हो गए इनकी। बारिश काफी तेज है यार, बाहर निकल तो गए मगर बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा। ये देखो मैडम अपना इंतज़ाम करके आई हैं, उस पर छतरी लगा रखी है, और मुझे काफ़ी भिगा भी दिया है, इसी वजह से पेट्रोल पंप पे रुका हुआ हूँ कि बारिश तेज़ है तो रुक जाओ थोड़ी देर। ये खुद तो भीगी नहीं है, मैं भीगी हूँ, और अब भी बता नहीं रही जाना कहाँ है, बस कह रही चलो सीधे सीधे चलो, बस सीधे कहाँ लेके जाऊँ, मुझे पता कहाँ जाना है। ये लो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, पता इनको है, रास्ता बता रही हूँ ना मैं कहाँ जाना है। वाह रास्ता बता रही है मैडम, मेरा मेकअप नहीं बिगड़ना चाहिए। चलो गाइस ये देखो इंडिया गेट आ गए हम, आ गए इंडिया गेट। इंडिया गेट वाकई में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है बारिश में तो। हम कहीं और जा रहे हैं, ये देखो ये मुझे लेकर आई है लाजपत नगर, मुझे बताया नहीं लाजपत नगर जाना है, बस रास्ता बताती रही इधर चलो इधर चलो इधर चलो,
अपनी शॉपिंग के लिए लाजपत नगर लेकर आ गई मुझे, देखो इतनी बारिश में। इनको लग रहा था मैं इंडिया गेट लेके जाऊंगी, बट इंडिया गेट लेके कौन जाएगा। इंडिया गेट से तो मैं पास में से आया था, ये लाजपत नगर लेकर आ गई। बताओ यहाँ पर बारिश में बुरा हाल होगा। मुझे कुछ चीजें लेनी है तो आऊंगी नहीं। मैं तो बताया तो सही इंसान, बिना बताया किस तरीके से लेके आता है। एंट्री करते ही इन्हें भूख लग गई और ये गोलगप्पे की बिलिंग कराने गए हैं। और गोलगप्पे यहाँ से खाओ तुम। नहीं नहीं खाओ, आप ही खाओ सारे। नहीं आप खाओ, मेरे हाथ में तो फोन था, सब पकड़ा दिया। ये गोलगप्पे चल रहे हैं, आते गोलगप्पे शुरू हो गए। खाओ 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 जी। लाजपत नगर है ये सेंट्रल मार्केट। हम सेंट्रल मार्केट में आ चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट का सन्नाटा है, बारिश हो रही है, सब पैक हुआ है। ये मैडम घूम रही है आराम से। देखो गाइस, लाजपत नगर आए थे, वहाँ से वापसी जा रहे हैं। और क्या मिला आपको? बारिश की वजह से कुछ भी नहीं। बारिश की वजह से कुछ भी नहीं मिला इनको। दुकानें बंद कर रखी हैं। हम लेट हो गए। बोले बोले तुम्हारी पसंद ऐसी है कि तुम्हें कुछ नहीं मिला। बहुत दुकानें खुली हुई थी मगर इनकी पसंद ऐसी है इनको कुछ नहीं मिला। चितली कवर से ही लेना पड़ेगा। अभी अपनी तरफ से ही लेंगे, जाओ मैं इससे। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, लाजपत नगर से वापसी है। चलो तो हम लाजपत नगर से वापस में आए इंडिया गेट। बोला देखो पीछे इंडिया गेट, मगर सब बंद पड़ा हुआ है बारिश की वजह से। सब बंद कर रखा है, एंट्री भी बंद कर रखी है, सब कुछ बंद है। और सबसे बड़ी बात कि पार्किंग बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। बाकी सब बंद है और कुछ भी नहीं है, पानी पानी हुआ है, सारा बेकार है। बाकी हम अभी घर निकल रहे हैं, बाद में देखेंगे इंडिया गेट। आइसक्रीम भी है। खाना हो गया है हमारा, मैडम को खाना था जो वो खा लिया है। और एक बात और बतानी थी, लाजपत नगर में हमें कोई हमारे जो ब्लॉग देखते हैं वो मिले थे, तो हम उनसे मिल नहीं पाए, वो भी चले गए। फैब्रिक लेने गए थे सूट का, तो वहाँ पे वो मिले थे तो फर्स्ट फ्लोर पे। हमने उनसे कहा था कि हम नीचे आ जाए, लेकिन वो जा चुके थे, तो हमारी से मुलाकात नहीं हो पाई। हमने उन्हें ढूंढा भी था और हम इंडिया गेट भी गए, लाजपत नगर गए, लेकिन फिर फाइनली हम गांव में जी दाता। सब जगह गीला कर दिया मुझे। गांव में जी दाता क्या खाया? चंगेज़ी खाया। तो अब इसके बाद हम लेंगे नसराई। नसराई क्या होता है? अनरसे की गोलियां। अनरसे की गोलियां और जलेबी, गुलाब जामुन। अम्मी के लिए।